हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ICSE मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भाई चैप्टर सेकंड क्लास नाइन्थ का, जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने अभी क्वेश्चन कर लिए हैं बी एक्सरसाइज तक। ठीक है, आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे सी एक्सरसाइज, और इससे पहले भी हमने कई चैप्टर किए हैं भाई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आराम से देख सकते हो। ठीक है, जो जो चैप्टर किया ना हमने, उन सभी की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी जो हमने किया है। तो देखिए भाई, आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, 2C एक्सरसाइज, जो कि बिल्कुल ही सिमिलर है जैसे हमने प्रीवियस किए हैं। आपको फॉर्मूला कराया था मैंने, कौन से वाला भाई, अमाउंट वाला फॉर्मूला, जो किसके इक्वल होता था, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। ठीक है, वही वाला यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर भी। देखिए भी कैसे करेंगे। अ टाउन हैज 15,625 इनहेबिटेंट्स, इफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, फाइंड द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। देखिए, जो आपको नंबर्स ऑफ इनहेबिटेंट्स दिए हैं, यही आपका प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल क्या भी आपका, यहां पे लिख लीजिए पी की वैल्यू आपकी 15,625। ठीक है, उसके बाद रेट चेक कर लीजिए, आर की वैल्यू है 4%। कितनी भी आर की वैल्यू आपके पास यहां पे 4% है। ठीक है, आर आपके 4%। टाइम कितना बोला है, ध्यान से देखिए, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के बाद में बोला है, तो आपको पूरा कंप्लीट 3 ईयर का निकालना पड़ेगा। टाइम आपका दिया भाई यहां पर 3 ईयर। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल, आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, वहां से सारी वैल्यू उठा लेनी है। ठीक है, और उन वैल्यू को यूज करेंगे हम फॉर्मूला में पुट करके, फिर उससे आंसर आ जाएगा अपना। देखिए भाई, अब प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, सब कुछ मिला आपको पीआरटी। अब आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है टोटल इनहेबिटेंट। टोटल जब कभी भी पूछे आपसे या बोला इन्होंने फाइंड द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ द टाउन, टाउन के अंदर टोटल पीपल कितने होंगे आफ्टर 3 इयर्स, टोटल पॉपुलेशन बतानी है, तो आप वहां पर क्या निकालोगे, अमाउंट निकालोगे भाई। ठीक है, और अमाउंट का फॉर्मूला आपके पता ही है क्या, अभी हमने शुरू से कर रहे हैं उसको। अमाउंट होता है बेटा अपना प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम टी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है जो हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करना भाई। अमाउंट आपका एजेट ही तो निकालना है, प्रिंसिपल आपका कितना है 15,625, और इनटू में आ जाएगा 1 प्लस में रेट 4% है भाई, टाइम 100, ऊपर टाइम कितना हो जाएगा अपना 3 साल है। ठीक है भाई, तो हमने ये पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 से काट दो भाई, 25 आ गया नीचे, कितना आ गया 25 4 जा 100 होता है ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया। उसके बाद बचा क्या अभी आपके पास, वो लिख लेते हैं 15,625 इनटू में 1 प्लस में 1 बाय में 25 और ऊपर पावर है टाइम 3 है, सॉरी कितना अभी टाइम ऊपर 3 है, तो टाइम 3 है भाई। उसके बाद अब यहां पे एलसीएम लेते हैं, और मैंने आपको डायरेक्ट बताया एलसीएम कैसे लेना है। जब कभी भी आपके पास 1 प्लस हो ना, तो आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डायरेक्ट ऐड कर दो, 25 + 1 = 26 हो जाएगा, यानी कि 25 + 1 = 26 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देंगे इसको, अमाउंट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 15,625 इंटू में ऊपर जुड़ के सीधा 26/25 की पावर 3। ठीक है भाई, ये कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको यहां पर मल्टीप्लाई करके सोल्व करना। देखिए भाई, 15,625 है, 15,625 मल्टीप्लाई में 26/25 मल्टीप्लाई में 26/25 मल्टीप्लाई में 26/25। ये मैंने 3 बार क्यों किया आपको पता ही है, क्योंकि टाइम कितना था भाई, 3 था ऊपर। जितनी ऊपर पावर होगी उतने ही बार उसको लिखना पड़ेगा आपको, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मल्टीप्लाई कैसे करनी है। इसको ध्यान से देखिए, अब 25 25 25, 3 बार 25 आया, तो नीचे देखो ये भी 25 पे कट रहा है भाई, तो 25 का टेबल लगाइए, 25 6 150 होता है, 6 बच गए, तो 625 हो गया। अब आपका कितना हो गया 625, और 625 को काटते हैं हम सीधा यहाँ पर 25 से, तो जो इसको काटेंगे हम 25 से, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 625 आएगा भाई। ठीक है, अब उसके बाद 25 का स्क्वेयर क्या होता है, 625 होता है, यानी कि अगर आप इसको 25 से डायरेक्ट काट दोगे ना, तो फिर भी आपका 25 ही आएगा। क्या आएगा भाई, 25 आएगा। अब फिर वापस क्या करना, आपने एक 25 और बचा, ये भी कट गया भाई। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, सिर्फ वो लिख लेते हैं अमाउंट में। अमाउंट में आपके पास बचा है 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26, 3 बार 26 को मल्टीप्लाई करना है बस। अब 26 का क्यूब अगर याद हो तो वो लिख लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। स्क्वेयर याद है तो स्क्वेयर कर लो, हम स्क्वेयर को करके फिर करेंगे। देखो, 26 को 26 से करते हैं, यानी कि 26 का स्क्वेयर क्या होता है भाई, आपका अमाउंट इज इक्वल टू 676 होता है। उसको फिर आपने 26 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको आराम से करेंगे, 26 से मल्टीप्लाई साइड में यहाँ कर लेते हैं, 676 को 26 से मल्टीप्लाई करना, 6 6 36 3 कैरी गया भाई, 6 7 43 6 7 42 और 3 45 हो गया भाई। ठीक है, 4 कैरी गया, 6 6 36 और 4 40 हो गया भाई। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 6 12 1 कैरी गया, 2 7 14 1 15 1 कैरी गया, 2 6 12 और 1 13 6
527 54371। तो कितना है भाई आपका 17,576 आपका टोटल आंसर आ गया। तो यहां लिख दीजिए आप 17,576। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्या पूछा था आपको? फाइंड द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट इन द टाउन आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे साल के अंत में आपके पास कितने नंबर ऑफ इनहैबिटेंट हो जाएंगे टाउन के अंदर? 17,576। ये आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया और बिल्कुल ही सिंपल था। हमने कुछ नहीं किया, बस आराम से इसको फॉर्मुले में वैल्यूज पुट करके इजिली सोल्व किया। ठीक है भाई, आप भी कर सकते हो अच्छे से इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। भाई यहाँ से आपके जो क्वेश्चन शुरू होंगे ना, वो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन शुरू होंगे। यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं क्वेश्चनों में, देखिए भाई ध्यान से। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ इट्स प्रेजेंटेज इज दिस। अगर आपकी प्रेजेंटेज यहाँ पर इतनी दी हुई है तो आपको बताना कि पॉपुलेशन दो साल के बाद क्या होगी आफ्टर टू ईयर्स, और पॉपुलेशन बतानी है टू ईयर्स अगो पहले क्या होगी आफ्टर अगो, या फिर बोल सकते हैं हेंस या फिर अगो। ठीक है, तो इस टाइप्स के जो क्वेश्चन आएंगे ना, अब उनमें देखिए आपको करना क्या होगा भाई, ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन के अंदर। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट में देखिए आप बोला आपको पॉपुलेशन आफ्टर टू ईयर निकालनी है पॉपुलेशन। अब यहां पर दो चीजों का ख्याल रखना आपने, जो चीज मैं बोल रहा हूं ना जोर लगा के उसके बारे में ध्यान से सुन लो, ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। ठीक है, वो आपने नहीं करनी है। यहां पर आपको दिया 36,300। अगर यहां पर बोला जाए आपको प्रेजेंट एज, क्या बोला जाए भाई प्रेजेंट एज, अगर आपको बोला जाए या प्रेजेंट पॉपुलेशन या प्रेजेंट जो भी बोला जाए, इस टाइम पे जो होगी वो हमेशा आफ्टर के बाद वालों के लिए क्या होती है, प्रिंसिपल होती है। क्या होती है भाई? आफ्टर के बाद वालों के लिए। जैसे इसमें बोला प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है और बोला आफ्टर टू ईयर्स, तो इसके लिए ये माना जाएगा आपका प्रिंसिपल। क्या माना जाएगा? प्रिंसिपल। लेकिन प्रेजेंट बोला गया हो और आपको निकालना हो एगो, तो इसका मतलब होता है कि आपकी प्रेजेंट एज है और इसको पीछे वाला निकालना है, उस केस में ये आपका अमाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? अमाउंट कहलाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, वापस बोल रहा हूं, अगर आपको प्रेजेंट दिया हो, ठीक है, और आपको जो भी प्रेजेंट में दिया हो वो नंबर अगर एगो के लिए निकाल रहे हो तो कहलाएगा आपका वो क्या भाई? अमाउंट। क्या कहलाएगा? वो अमाउंट कहलाएगा। लेकिन अगर जो प्रेजेंट में दिया हो और वो आफ्टर के लिए निकाल रहे हो तो वो प्रिंसिपल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। इस चीज का ध्यान रखना है बस आपने। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो भी ध्यान से, सबसे पहले अब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं सोल्व इसका। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं तो देखो आफ्टर है, आफ्टर के लिए ये क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा भाई कितना? 36,300। ठीक है, टाइम कितना भी अपना दो साल दिया तो टाइम हो जाएगा अपना दो साल, टू ईयर। ठीक है भाई, और रेट कितना दिया भाई आपको? देखो कहाँ पे रेट, रेट दिया आपको यहाँ पर 10%। कितना दिया भाई रेट? 10% दिया आपको, तो रेट लग लोगे आप 10%। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, अमाउंट का फॉर्मूला लगा लो। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू में 1+ में रेट बाय 100 की पावर टाइम। फॉर्मूला मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको याद ही हो गया होगा। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला कितना भाई? 36,300। ठीक है, इंटू में 1+ में रेट कितना भी आपका? 10% है, बाय में 100 हो जाएगा उसकी पावर टाइम। टाइम कितना भी? दो साल। जीरो से जीरो कट गया भाई, 1/10 बचा है। तो ध्यान से सुनिए अब क्या करते हैं हम। 36,300 देखो 10 है नीचे, 10 को 1 से मल्टीप्लाई, देखो मैंने क्या बोला था, जब नीचे कभी भी जो भी डिनोमिनेटर होता है यहाँ पे 1+ हो तो ऊपर डायरेक्ट ऐड हो जाता है। 10 और ऊपर 1 है, 11 हो गया ना, 11/10 कितना भाई? 11/10^2। अब देखिए अमाउंट कितना हो गया भाई आपका? 36,300। 11 का स्क्वेयर करेंगे तो 121 होता है भाई, 10 का स्क्वेयर करेंगे तो 100 होता है। दो जीरो से दो जीरो कट गई। अब बचा क्या आपके पास? यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 363 को 121 से मल्टीप्लाई करना। बस आपने क्या करना भाई? 363 को 121 से मल्टीप्लाई। यहां कर लेता हूं मैं, एक से करेंगे तो सेम टू सेम आएगा 363, टू से करेंगे तो डबल हो जाएगा। इसके कर लो 2 3 6, 2 6 12, 1 कैरी गया, 2 3 6 12 और 1 7, फिर 1 सेम टू सेम आ जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, 363 तो कितना हुआ? 3 3 6 6 12, 2 कैरी गया भाई, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, 1 कैरी गया भाई, ये आ गया आपका 43,923 आया आपका। इसको मल्टीप्लाई करके यानी कि अमाउंट जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा भाई? 43,923। ठीक है भाई, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था ना, दो साल के बाद क्या पॉपुलेशन होगी, कितने लोग हो जाएंगे वहां के, तो वो क्या होगा भाई आपका यहाँ पर 43,923 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी जो आपको बोला था हमने फर्स्ट पार्ट में कर दिया, आफ्टर बोला तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। लेकिन अगर आप एगो ले रहे हो यहाँ पर, यहाँ पे एगो है तो ये चीज आपकी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी ये आपका अमाउंट बन जाएगा। ए यहाँ पे लिखा मैंने, अमाउंट बन जाएगा। तो अब अमाउंट हमारा क्या हुआ यहाँ पर देखिए, अब मैं सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट कर रहा हूँ इसका, मैं यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ।
सेकंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा अब अमाउंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर, तो अमाउंट आपका यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 36,300 के इक्वल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 36,300। उसके बाद टाइम आपका कितना भाई, 2 साल दिया तो टाइम तो दो ही रहेगा आपका, यहाँ पे टाइम लिख देते हैं 2 साल है भाई। रेट कितना भाई आपका यहाँ पे, रेट 10% है वो तो हमें पता ही है, ठीक है। टाइम यहाँ पे 2 साल है, 2 ईयर लिखेंगे, रेट आपका 10% है। उसके बाद रेट हो गया, टाइम हो गया, अमाउंट हो गया, निकालना क्या, अब हमने यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्रिंसिपल हमने यहाँ पे निकालना होगा भाई, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं हर बार, कौन से वाला, ये वाला अमाउंट वाला फॉर्मूला जो यूज करते हैं, वही यूज करना है यहाँ पे भी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अमाउंट हमारा इज इक्वल टू होता है किसके, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम, यही होता है ना अपने पास फॉर्मूला। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे भाई, अमाउंट आपको दिया 36,300, प्रिंसिपल नहीं पता, एज इट इज रखो। 1 प्लस में रेट आपका कितना दिया भाई, 10 है, तो बाय में 100 कर दो, की पावर टाइम 2 है, ठीक है भाई। अब अभी अभी हमने ये किया था इतना सोल्व, देखो ध्यान से क्या सोल्व किया था, ये रहा 1 प्लस 10 बाय 100 की पावर 2, 1 प्लस 10 बाय 100 की पावर 2, सोल्व करके कितना आया था, 11 बाय 10 की पावर 2, है ना। तो ऐसे ही करेंगे यहाँ पे भी, 0 से 0 कट गया, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, 11 बाय 10 की पावर 2 हो जाएगा, और इस साइड ये रहेगा सेम टू सेम। अब 36,300 एज इट इज, प्रिंसिपल 11 का स्क्वायर 121, नीचे 10 का स्क्वायर 100, ठीक है भाई, ये चीज थी ना। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि जो नीचे डिवाइड में इससे अड़ा के मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई में इससे अड़ा के डिवाइड। तो कहने का क्या मतलब है, 121 बाय साइड 100 मल्टीप्लाई में इससे अड़ा के डिवाइड में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इस साइड आके क्या हो जाएगा भाई, वो प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 36,300 मल्टीप्लाई में 100 ऊपर जाएगा और 121 नीचे आएगा भाई, क्या आएगा, 121 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने सिर्फ इसको काटना है, देखिए कैसे काटेंगे, 121 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो पूरा पूरा कटता है, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, देखा, 121 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट काट दिया। 3 ऊपर भाई यहाँ पे लिख देंगे, प्रिंसिपल आपका जो निकालना था 3 आ गया, पीछे 1 2 3 4 चार जीरो लगा दो, तो यहाँ पर आपका जो आंसर था वो आ गया भाई, कि 2 साल पहले जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी भाई, 30,000 होगी, कितनी होगी, 30,000 होगी वो पॉपुलेशन। अब हमारा इक्वेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं एक बार वापस एक चीज रिपीट करूंगा इसमें जो इंपॉर्टेंट है भाई, वो सुन लो ध्यान से वापस एक और बार, जब कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट एज बोला जाएगा, तो प्रेजेंट एज या प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो प्रेजेंट अमाउंट होगा वो बोला जाएगा, और उसके कोई 2 केस हो, एक में आपको आफ्टर निकालना है, एक में आपको एगो निकालना है। तो आफ्टर के लिए वो हमारा क्या बनता है, प्रिंसिपल बनेगा, और बिफोर के लिए या एगो के लिए अगर आपको बोला जाए तो वो अमाउंट बनता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आपने, क्योंकि क्वेश्चन में उसी के हिसाब से वैल्यू पुट होंगी, तो आपने गलती नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, वो भी ऐसा ही है अभी सेम टू सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है यहाँ पर, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,76,400 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 5% ग्रोथ रेट, और ये भी उसकी, ठीक है। तो बताना है कि पॉपुलेशन 2 साल बाद, फ्रॉम हेंस, देखो यहाँ पे हेंस लिखा ना, इसका मतलब 2 साल के बाद बतानी है, और यहाँ पे लिखा है 1 ईयर अगो, तो वही वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम जो हमने सेकंड किया है, और मैंने वहां पर बताया भी था आपको कि अगर ऐसा केस आ जाए तो आपको क्या करना है। देखिए यहां पे लिखा आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है, प्रेजेंट है, यहां पे आपको बोला है 2 ईयर्स हेंस, यानी कि 2 साल बाद, तो इस केस के अंदर ये चीज आपकी क्या हो जाएगी भी, प्रिंसिपल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल। और ये है एगो वाला केस, इस केस में क्या होता है, यही चीज आपके लिए क्या हो जाएगी भाई, अमाउंट हो जाएगी, प्रिंसिपल आपको निकालना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आपको पता तो है ये क्या क्या करना है इसके अंदर, तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको लिख लेना है प्रिंसिपल आपका कितना दिया, 1,76,400, टाइम आपको कितना दिया भाई, 2 साल है, रेट आपको यहाँ पर कितना दिया भाई, 5% दिया हुआ है, तो सारी चीजें लिख ली हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना भी आपका, 1,76,400, 1 प्लस में रेट कितना भी आपका, 5 बाय में 100, टाइम कितना भी 2 साल, 5 से काट दो, 5 2 10 20 हो गया, ऊपर बचा 1, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई आपका, 7,64,00, देखो नीचे 20 और ऊपर है 1, तो मैंने क्या बोल रखा है डायरेक्ट, अगर आपके पास 1 प्लस में 1 बाय 21 है, 20 है, तो 20 में डायरेक्ट ऊपर 1 ऐड करेंगे तो 21 बाय 20 बनेगा, तो आपका आएगा यहाँ पे 21 बाय में 20 की पावर 2, ठीक है भाई, पावर 2 है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे भाई, अमाउंट हमारा हो जाएगा कितना, 1,76,400 मल्टीप्लाई में 21 बटा 20 गुना में 21 बटा में 20, ठीक है भाई।
तो काटते हैं, चलो शुरू करते हैं। दो जीरो है भाई पीछे, तो दो जीरो से दो जीरो कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ पर टू टू जै फोर होता है, तो फोर को मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट काटता हूँ इससे। फोर फोर जै सिक्सटीन, बच गया वन भाई। फोर फोर जै फिर वापस सिक्सटीन, बच गया वन भाई। फोर वन जै फोर, तो कितना आया ये, फोर फोर वन आया ना। और यहाँ पे देखिए अमाउंट आपको क्या निकालना है, फोर फोर वन तो ये हो गया, और ट्वेंटी वन को ट्वेंटी वन से करते हैं, ये भी फोर फोर वन होता है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, अब आपको 441 को 441 से मल्टीप्लाई करना है भाई। क्या करना है, 441 को 441 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई साइड में, यहीं पे 441 को 441 से ही मल्टीप्लाई करना है। पहले तो सेम ही आ जाएगा भाई आपका, ठीक है। फिर 41 जा 4, 44 जा 16, 1 कैरी गया भाई, 44 जा 16 और 1 17, ठीक है। फिर वही वापस लिख दो 1764, क्योंकि सेम ही है ना, 44 से करेंगे। 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 4 10 और 4, 1 कैरी गया भाई 7, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 7 और 7 14, 1 कैरी गया भाई 7 और 2 9, और ये आ जाएगा 194481। कितना आया भाई आपका आंसर, 194481, ये होगा आपका फाइनल आंसर। किस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का इसका, जिसमें पूछा था 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। पॉपुलेशन क्या हो जाएगी भाई यहाँ पर आपकी 2 साल के बाद, 194481, 1,94,481, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मैंने पहले बोला था आपको क्या हो जाएगा, ये अमाउंट बन जाता भाई, ये वाला टर्म है ना जो आपकी 1,76,400, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, यहां पर अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल आपको यहां पे निकालना होगा, रेट टाइम आपको पता है, रेट कितना भाई 5% है। टाइम आपको कितने साल बाद पहले पूछा, 1 ईयर पूछा ना, हाँ 1 ईयर है, तो टाइम आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले पुट करना, अमाउंट 7,644 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में टाइम, रेट बाय में 100 ऊपर टाइम, ठीक है। अब देखिए तो पता ही आपको, इसको सोल्व करोगे आपका क्या आएगा, ये रहा 1 प्लस 5 बाय 100, 21 बाय 20 आएगा ना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, 5 2 10 काट कूट के पूरा लिख देता हूँ, 1,764,000 इज इक्वल टू पी इंटू में 21 बाय में 20, ठीक है, ये आ जाएगा। ऊपर पावर 1 है तो 1 तो क्या एक ही बार लिखेंगे, तो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये घूम के इस साइड आएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे प्रीवियस पार्ट में क्या था, 20 डिवाइड में मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में डिवाइड में। तो यानी कि प्रिंसिपल आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, 1,764,000 मल्टीप्लाई में 20 बाय में 21, ठीक है भाई। अब इसको काट लेते हैं 7 के टेबल पे, चलो पहले 7 3 21, 7 2 14 बच गए 3 भाई, 7 5 35 बच गया 1, 7 2 14 00, फिर 3 से काट दो भाई, 3 8 24 बच गया 1, 3 4 12 बच के 00। तो प्रिंसिपल कितना आएगा भाई आपका, 8 4 00 मल्टीप्लाई में 20। तो मल्टीप्लाई कर लो भाई इसको, देखो 3 0 तो पीछे आएंगी, ठीक है। 2 को 4 से करेंगे, 2 8 16, ठीक है भाई, 2 4 8 और 2 8 16, तो कितना आ गया भाई आपका, 1,68,000 होगा एक साल पहले आपका प्रिंसिपल, यानी कि पॉपुलेशन। और यहां पर आ जाएगा आपका कितना भाई, फर्स्ट पार्ट का था 1,94,481 होगा आपका, कब, 2 साल के बाद। तो ये दोनों हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं भाई यहां पर, बिल्कुल ही सिंपल, आपने देख लिए प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही थे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन ये वाला भी अच्छे से करना भाई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या दिया है, ये उनसे डिफरेंट क्वेश्चन है जो मैंने सेकंड और थर्ड किए हैं। वैसे पहले कर रखे हमने इस टाइप के क्वेश्चन सक्सेसिव ईयर्स वाले, यानी कि आपका हर एक साल बाद क्या होता रहता है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका चेंज होता रहता है। पहले देखिए 5 है, फिर 8 है, फिर 10 है, इंक्रीज होता रहता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने, देखिए भी सबसे पहले आपको क्या बोला है इसमें, 3 ईयर्स अगो द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 50,000, इसमें अगो बोल दिया पहले शुरू में, ठीक है, कि 3 साल पहले ये थी पॉपुलेशन। तो अब आपको बताना क्या है, 3 सालों के बाद जो पॉपुलेशन होगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन, अब जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, अगर वहां पर सक्सेसिव ईयर्स आपको ये दिए हैं, ठीक है, पहले 5 फिर 8 फिर 10। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए भाई, जब कभी भी आपको सक्सेसिव ईयर बोला जाए ना, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100। हमारा ये फॉर्मूला होता था सिंपल अमाउंट निकालने का, लेकिन सक्सेसिव में क्या हो जाता है, यहाँ पर आर वन ऊपर 1, फिर 1 प्लस में आर टू बाय में 100 और ऊपर भी 1, इंटू में फिर 1 प्लस में आर थ्री बाय में 100 और ऊपर फिर 1। तो देखिए जितने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसिव दिए जाएंगे रिस्पेक्टिवली, 3 दिए हैं, 1 2 3, तो आपको आर वन आर टू आर थ्री लेना है,
चार दियो तो चार ले लो, पांच दियो तो पांच, दस पंद्रह बीस जितने दिए उतने ले सकते हो, वैसे इतने देंगे नहीं वो, ठीक है। तो जितने आपको बोले जाए उतने ही लेने हैं, और टाइम हमेशा ऊपर वन 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 ही रहेगा, कभी यहाँ पे दो तीन बोला तो यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन, ठीक है भाई, वो नहीं करना है, वन वन ही रहेगा हर एक साल का, एक अपना खुद रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, बिल्कुल ही सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। अमाउंट निकालना आपको, तो प्रिंसिपल कितना भी आपका 50,000, तो रख दीजिए 50,000। वन प्लस में पहला रेट कितना भी आपका 5%, तो 5/100 कर दो भाई। अगला रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है भाई, तो अगले में 8 कर दो। अगला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई 10 है, तो अगले में 10 कर दो, ठीक है। बस अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 50,000, 5 से कट गया 20 आ गया भाई, ठीक है। 8 से काटेंगे 4 2 8 हो गया भाई यहाँ पर, ठीक है, और 4 से काटेंगे तो नीचे 25 आ जाएगा। उसके बाद 0 से 0 कट गया भाई, तो क्या क्या बचा आपके पास, 1 प्लस में 1/20 बचा है यहाँ पे, यहाँ पे बचा 1 प्लस में 2/25 बचा है, यहाँ पे 1 प्लस में 1/10 बचा है, ठीक है भाई। ये सक्सेसिव आपके पास बचे हैं सोल्व करने के बाद। अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपको मैंने पहले बता रखा कैसे लेना है, सिंपल होता बिल्कुल, यहाँ पे वन दिया, यहाँ पे वन दिया, यहाँ पे वन दिया, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ऐड हो जाएगा भाई, ठीक है। कैसे, 21 को ऊपर, 20 को ऊपर 1 से करेंगे 21, 25 को ऊपर करेंगे 22 प्लस में 25 प्लस में 2 27, 10 को 1 से करेंगे 11, ठीक है भाई। तो लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे, कर देते हैं आगे। अमाउंट हो जाएगा आपका यहाँ पर 50,000 मल्टीप्लाई में, देखिए 20 प्लस में 21/20 21/20 मल्टीप्लाई में, अगले में भाई 25 प्लस 2 27/25 मल्टीप्लाई में, 10 को करते हैं तो 11/10, ठीक है भाई। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। अब आपको जो जो नीचे बचा वो काट देना भाई, कैसे देखो, दो जीरो से दो जीरो कट गई, ठीक है भाई। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 25, और पीछे क्या एक जीरो है भाई, ठीक है। अब देखिए 25 से 25 कट गया, तो यहाँ पे 10 बचा, तो अमाउंट क्या क्या बचा भाई, 10 21 27 और 11, तो ये चीज़ें आपके पास बची हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए अभी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, पहले यहाँ पे कर लेते हैं हम किसको, 11 को कर देते हैं भाई, किससे, या फिर 21 को कर देते हैं 27 से, 10 हमारा पीछे लग जाएगा भाई 110 हो जाएगा। एक पहले 11 को से करते हैं, 11 7 77 2 7 करेगा भाई, 11 2 22 और 7 22 और 7 29 हो गया भाई, कितना हो गया 29, पीछे लग जाएगी एक जीरो, मल्टीप्लाई में कितना भाई 21 है, ठीक है, 2970 इंटू में 21। अब देखिए साइड में कर लेता हूँ मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं, किसके साथ करना है इसको, 21 से 0 7 9 2 सेम आ जाएगा भाई, 2 से करेंगे 2 0 0 2 7 14 वन कैरी गया 2 9 18 1 19 वन कैरी गया 2 2 4 1 5 0 7 9 4 13 वन कैरी गया 9 1 10 2 12 वन कैरी गया 6, तो कितना है भाई 6 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 62,370, कितना आ गया भाई आपका अमाउंट 62,370 आ गया। तो यहाँ पे भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, आपका जो फाइनल आंसर था ना वो आ गया यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है। आपने ऐसे ही करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसे ही हैं मोस्टली सारे के सारे, बिल्कुल ईजी। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, चाहे वो सक्सेसिव ईयर का हो, कंडीशंस पता होना चाहिए भाई, एगो बोला हो, आफ्टर बोला हो, हैंस बोला हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ही है, कोई किसी में कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। फार्मर हैज एन इंक्रीज ऑफ ₹12.5% इन द आउटपुट ऑफ वीट, क्या बोला है कि एक फार्मर है, ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ उसका भाई रेट 12.5 इंक्रीज हुआ उसकी ग्रेन के अंदर या जो भी था वीट के अंदर, इन हिज फार्म एवरी ईयर, हर साल, ठीक है। तो हमने बताना है कि जो प्रोड्यूस किया उसने 2916 क्विंटल ऑफ वीट, व्हाट वाज हिज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ वीट आफ्टर टू ईयर्स, सॉरी अगो टू ईयर्स, यानी कि 2 साल पहले क्या था। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब कभी भी आपको एगो बोल दिया जाए अभी, ठीक है, एगो का केस आता है तो हमें क्या करते हैं, जो भी हमारा गिवन वैल्यू होती है उसको हम अमाउंट मानते हैं, क्या मानते हैं भाई, अमाउंट मानते। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे हमने वो भी हमने एगो और आफ्टर के ऊपर बेस्ड थे, वो भी किए थे, ठीक है। तो वहां से आपको अगर वो वीडियोस देखी होगी आपने तो इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वही केस बनेगा यहाँ पर भी, देखिए। तो सबसे पहले आपको अमाउंट कितना दिया भाई यहाँ पर, फॉर्मूला तो आपको पता ही, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट बाय में 100 इज इक्वल टू टाइम, ये लगाते हैं हम हर बार फॉर्मूला। तो अमाउंट आपको कितना दिया भाई 2916, ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें निकालना होता है इस केस में, 1 प्लस में रेट आपको कितना दिया भाई 12.5 है, तो 12.5 डिवाइडेड बाय
पॉइंट हटाए नीचे 10 लगा और साथ में 100 भी है। होल पावर टाइम कितने साल बोला भाई, 2 साल, तो टाइम ऊपर 2 साल ले लेंगे, ठीक है। तो ये किया हमने, अब उसके बाद इसको काट लेते हैं। देखिए 25 के टेबल पे इजीली कट जाएगा, 25 फाइव जो होता भाई 125 और 25 फोर जा 100, 5 1 5, 5 2 10, तो कितना है अभी आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 1/8 कितना हो गया भाई यहाँ पे नीचे देखो 2 और 4 बचा ना, तो 2 4 8 होता है, तो आपका आ जाएगा 2916 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+1/8 की पावर 2, ठीक है भाई ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे भाई यहाँ पे नेक्स्ट अपना क्या बचेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, 8 को ऊपर 1 से ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि एलसीएम लोगे तो वही होएगा सिंपल ही, तो 2916 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रिंसिपल इंटू में 9/8 का स्क्वेयर, ठीक है भाई। अब देखिए ये 9/8 का स्केयर इस साइड है, तो इसको पहले सोली कर लेते हैं, 916 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, 9 का स्केयर कितना होता है भाई 81, 8 का स्केयर 64 मल्टीप्लाई में, ये सेट आके रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा सेट आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जो प्रिंसिपल होगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई 2916, 64 डिवाइड में सेट आके मल्टीप्लाई और नीचे 81 डिवाइड में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे करना आपने, अब क्या करते हैं इसको 9 के टेबल पे काट लेते हैं, देखिए 9 9 81 होता है, 9 से काटोगे इसे तो कितना बचेगा आपका 9 3 27 हो गया, अब बचा कितना भाई 2, 9 2 18 बच गया 3, 9 4 36 ये आ गया भी अपने पास यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं और भी कटेगा क्या भाई 9 के टेबल पे, 9 3 27 हाँ भाई कट जाएगा 9 के टेबल पे, 9 3 27 आ जाए काट के, और बचा कितना भाई 5 बच जाएगा तो 54, 9 6 54 होता है, ठीक है। अब कितना बचा आपके पास प्रिंसिपल, बचा आपके पास 36 मल्टीप्लाई में 64, 36 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई यहाँ पर साइड में इसका, 36 और 64 को करना ना मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं भाई, देखिए 6 4 24 का 4 2 कैरी गया भाई, 6 6 36 और 2 38, 3 को 4 से करोगे 12 1 कैरी गया, 3 6 18 और 1 19, 4 10 की 0 1 कैरी गया, 9 1 10 3 13 1 कैरी गया 2, तो कितना आ गया भाई आपका 2304 कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके आपका 230 आ जाएगा भाई 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल को 2304, तो ये निकालना था आपको प्रिंसिपल की 2 साल पहले कितना उसका प्रोडक्शन था, तो 2 साल पहले उसका प्रोडक्शन था भाई 2304, और पीछे लगा देंगे यहाँ पे क्विंटल, क्या लगा देंगे भाई क्विंटल लगा देंगे, ठीक है ये हो गया भाई आपका क्विंटल्स। तो इतनी जो ग्रेन है वीट है वो प्रोड्यूस करता था 2 साल पहले, और 2 साल बाद कितनी करने लग गया फिर वो अमाउंट था आपका 2916 करने लग गया था, तो इतना परसेंटेज ऑफ इंक्रीज के बाद, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका भाई, अपना कौन से वाला 5th वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं भी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी देख ले कितना इजी है बिल्कुल ही। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000, जो पॉपुलेशन है टाउन की वो 64,000 आपकी, एनुअल बर्थ रेट दिया आपको 11.7% एंड द एनुअल डेथ रेट, एनुअल बर्थ रेट और डेथ रेट दिया आपको यहाँ पर, तो नेट बर्थ जो नेट रेट है वो कैसे निकालते हैं हम, आपको नीचे क्वेश्चन के नीचे हिंट में मिल जाएगा वो, तो ठीक है। अगर आपको निकालना होता तो कैसे करेंगे, दोनों को माइनस करना होता भाई, देखिए नेट रेट निकालना अगर हमें तो कैसे निकालते हैं, 11.7 में से माइनस कर देंगे 4.2, तो कितना बचेगा अभी आपका 7 में से 2 गए 5 और 7, तो बचेगा आपके पास 7.5% आपका रेट आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल आपका दिया 64,000 और टाइम कितना दिया अभी आपको 3 साल, कितना दिया है 3 साल, आफ्टर बोला तो इसमें तो आपको सिंपली लेना है, अमाउंट आपका नहीं है यहाँ पे प्रिंसिपल ही माना जाएगा इसको, अगर एगो बोलता तो हम इसको अमाउंट मानते, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। अब देखिए भी कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, प्रिंसिपल इंटू में 1+ में रेट/100 की पावर टाइम। अब अमाउंट आपका क्या है भाई निकालना, आपको प्रिंसिपल कितना दिया अभी आपको यहाँ पर 64,000 लिख लीजिए यहाँ पे, 1+ में रेट कितना भाई यहाँ पर 7.5, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देंगे और इंटू में कर देंगे 100, ऊपर कितना हो जाएगा भाई टाइम 3 साल बोला है। अब देखिए अमाउंट इज इक्वल टू 64,000 काट लीजिए, 25 3 75 और 25 4 100, नीचे आ जाएगा 40+3 सॉरी 10 4 40 हो गया यहाँ पे, 1+3/40 ऊपर 3 है, ठीक है भाई बिल्कुल ईजी है, यहाँ तक तो आपको आ ही गया होगा, सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया बस डिवाइड ही किया यहाँ पे, 25 का टेबल यूज किया, 25 3 75 और 25 4 100, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एलसीएम लेना आपको, यहाँ पे कैसे करोगे 64,000 है, एलसीएम आपका पता ही आपको 43/40 आएगा, ऊपर टाइम कितना 3 साल है भाई,
अब करोगे क्या, तीन बार लिख दो भाई इसको, अब मल्टीप्लाई में 64,000 मल्टीप्लाई में 43/40 मल्टीप्लाई में 43/40 मल्टीप्लाई में 43/40। ठीक है भाई, देखो 40 के साथ तीन जीरो है, एक दो तीन, तीन जीरो है और यहां पर भी तीन जीरो है तो कट गया पूरा। उसके बाद 64 है और 4 4 4 4 को तीन बार मल्टीप्लाई करें तो 64 ही आता है, 4 4 जो 16 16 4 जो 64। ठीक है, तो 64 से 64 डायरेक्ट काट दिया मैंने इन तीनों चारों से, ये पूरा कट गया। ठीक है, अब आगे देखिए 43 43 43 तीन बार मल्टीप्लाई करना आपको, 43 43 43। ठीक है, तीन बार मल्टीप्लाई करोगे आप 43 43 43 को, बट यहां पर आपको लाइन वाइज करना है, मुझे 43 का स्क्वायर पता तो हम यहां पे लिख लेंगे 1849। कितना भाई 1849, अमाउंट कितना आ जाएगा अपना 1849 मल्टीप्लाई में 43। ठीक है भाई, एक और 43 अपने पास यहां पर। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने 43 और 43 को मल्टीप्लाई करोगे ना तब आएगा ये 1849, और एक 43 अभी भी बचा है तो उसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए भाई कैसे करेंगे, यहां पे साइड में ही कर देता हूं मैं, 1849 को 43 से करना है भाई, 3 को 9 से करेंगे 27 बाई 2 कैरी गया, 3 चौके 12 2 14 और 1 कैरी गया 3, 3 8 24 1 25 2 कैरी गया भाई, 3 1 3 2 5, 4 9 36 3 कैरी गया भाई यहां पर, 4 4 16 और 3 19 1 कैरी गया भाई, 4 8 32 1 30 3 3 कैरी गया भाई, 4 1 4 3 7 यह आ जाएगा 7 0 9 5 1 8 9। तो यह भाई आपका कितना अमाउंट आया है 79507, यानी कि 79,507 आपका है जो फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है, मल्टीप्लाई ध्यान से कर लेनी है बस आपने, फॉर्मूले तो हम एक ही यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर बिफोर का या फिर अगो जो भी बोला जाता है उन केसेस को आपने याद रखना है कि हर एक केस में क्या करते हैं। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्या बोला इनको, अ मैंगो ट्री वॉज प्लांटेड 2 years ago। देखो भी वापिस अगो वाला केस आ चुका है, प्रीवियस बैक में जाना में 2 years ago द रेट ऑफ इंटरेस्ट इट्स ग्रोथ इज 20%। जब भी आपको एगो बोला जाए ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है एगो में हर एक चीज जो भी आपको दी होगी यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं माना जाएगा, वो अमाउंट माना जाएगा। तो आपके पास अमाउंट कितना भी आपकी बार 162। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, लगा दीजिए भाई वापस, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम। देखिए अमाउंट आपको दिया 162, कितना दिया अभी 162, प्रिंसिपल आपको निकालना है 1 प्लस में, रेट आपको 20 दिया हुई है ना, टाइम आपको कितने साल, 2 साल ही दिया था ना मेरे ख्याल से, हाँ देखो 2 इयर्स टाइम हो गया आपके पास, रेट आपको कितना दिया 20% दिया है। ठीक है, सारी सारी चीज़ें लिख ली हमने यहाँ पे, अब देख ली, काट लेते हैं इसको 0 0 2 5 10, तो कितना बचा भी आपका 162 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन टू 1 प्लस में 1/5 बचा है यहाँ पर, ऊपर 2 है। अब देखिए 162 तो एज इट इज रहेगा, प्रिंसिपल एज इट इज जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा भाई, ऊपर पावर टाइम है। अब 162 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 बाय में 25 है ना, 6 का स्केयर 36, 5 का स्केयर 25, अब ये डिवाइड में सेड आके मल्टीप्लाई और 36 डिवाइड में, तो आपका जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 162 को मल्टीप्लाई करना है 25 से और डिवाइड कर देना है किससे 36 से। अब 6 का टेबल लगाइए, 6 6 जा 36, इसको काट लीजिए, अब 6 2 जा 12 होता है 4 बज गए 42, 6 7 जा 42, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है भाई, और यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी 25, 9 जा कितना होता भाई आपका 225 होता, कितना होता 225, इसको आपने डिवाइड करना है, नीचे 2 बचा ना, 2 से डिवाइड कर देना, काट दो भाई इससे नीचे से, तो 112.5 बचेगा भाई। ठीक है, 112.5 आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी आया क्या है आपका 112.5 जो आया है वो है क्या, वो है पेड़ की हाइट की, या जो प्लांट लगाया गया था ना स्टार्टिंग में, जो प्लांट था 2 साल पहले उसकी हाइट कितनी थी, उसकी हाइट थी 2 साल पहले 112.5, पीछे सेंटीमीटर भी लगा दो भाई, क्या लगा दोगे पीछे सेंटीमीटर लगा दो, तो यहाँ पर जो आपका पेड़ है 2 साल पहले उसकी क्या हाइट थी वो हमने निकाल ली है, कितनी है भाई 112.5 सेंटीमीटर है आपका। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर अपना 7 है वो कंप्लीट हो चुका भाई, 8 करते हैं। देखिए 8 में क्या बोला आपको यहाँ पर, 2 years ago 2 साल पहले बोल दिया इसमें भी, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 4000, इन्होंने पहले दे दिया भाई, जो हमारा प्रिंसिपल है वो ही है ये, क्यों, क्योंकि 2 साल पहले की ही वैल्यू दी है, ये नहीं बोला कि 2 साल पहले की वैल्यू निकालो, अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आपको वो लेना है अमाउंट, अदरवाइज वो प्रिंसिपल ही रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 6%, अगले साल वो 6% से इंक्रीज हुई है, बट उसके बाद एपिडेमिक्स की वजह से 5% डिक्रीज भी हुई है,
देखो जब कभी भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज बोला जाए तो उसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपको इंक्रीज बोला जाता है या सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है तो आपको प्लस करते हैं ना, वन प्लस में आर बाय 100 की पावर टाइम ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिक्रीज बोला जाए तो आप क्या करोगे, वन माइनस करोगे वहां पे, वन माइनस आर बाय 100 की पावर जो भी टाइम है आपका। तो यहां पर यही चीज सीखेंगे हम, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए भाई क्या करेंगे इसके अंदर। इन द फॉलोइंग ईयर व्हाट इट्स पॉपुलेशन नाउ, तो उसकी अब की पॉपुलेशन क्या है वो निकालनी है हमने इसमें, ठीक है। तो देखिए भाई सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे भाई। देखिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल तो रहेगा साथ में इंटू में, वन प्लस में रेट बाय में 100 इंटू में वन माइनस में रेट बाय में 100। इसको रेट वन मान लो, इसको रेट टू मान लो, क्योंकि दो रेट है ना आपके पास, तीन होते तो तीन कर लेते, चार होते चार कर लेते, दो हैं तो दो ही करेंगे, ठीक है। 6% आपका इंक्रीज वाला तो प्लस कर दिया मैंने, 5% आपका डिक्रीज वाला तो मैंने माइनस कर दिया। ये फॉर्मूला अच्छे से देख लो भाई, क्योंकि मेन तो फॉर्मूला ही आपके फॉर्मूले अगर आपको आएंगे तो ही तो वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर, अगर नहीं पता तो कैसे करोगे। तो फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेनी है। देखिए भाई अब यहाँ पे अमाउंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब अमाउंट के निकालने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना भी आपका कहाँ गया, 4000, ये रहा 4000 लिख लेंगे आप यहाँ पर। वन प्लस में रेट कितना भी यहाँ पे 6% है तो 6/100, और वन माइनस में 5/100 हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी यहाँ पर। अब देखिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 4000 इंटू में 6 से काट लीजिए भाई यहाँ पर, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6, और यहाँ पे कट जाएगा कितना बचा भाई यहाँ पे 50, कितना भाई 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 प्लस में 3 तो हो गया भाई 53 बाय में 50 मल्टीप्लाई में 100 से माइनस कर लो भाई, पहले काट लो इसको, 5 एकम 5 5 2 10 20 आ गया ना नीचे, 20 में से 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 19/20। पहले अब ध्यान से सुन लो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोला मैंने, यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 3 6, और 2 से काटेंगे 100 को 50 आ गया। मैंने नीचे ना डायरेक्ट एलसीएम लिया, आप भी ले सकते हो 50। अगर यहाँ पे 1 प्लस होना तो हम ऊपर वाले से न्यूमरेटर को डिनोमेटर से डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 50 में मैंने 3 जोड़ दिया, 53/50 हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन है तो 20 बचा, ऊपर 1 ही बचा था तो 20 में से 1 गया 19/20 ये आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 0 से 0 दो जीरो कट गई भाई यहाँ पे, 5 2 10 होता है, और 10 से फिर एक और जीरो कट गई, तो आपके पास सिर्फ बचा क्या है, अब आपके पास बचा है 4 53 19 फोर जा कितना होता भाई, 19 फोर जा कितना होता अपने पास 76, ठीक है, और 53 से मल्टीप्लाई कर लो। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, 76 और 53 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे 76 और 53 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कर देता हूँ भाई 76 और 53 को मल्टीप्लाई में, 3 6 18 1 कैरी गया भाई 3 1 22 5 6 30 3 कैरी गया भाई 5 3 35 और 3 38, ठीक है भाई 8 2 10 1 4, तो आपके पास आया कितना भाई 4028, यानी कि 4028 जो आ जाएगा आपका अमाउंट टोटल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 4028, ठीक है। तो निकाला क्या हमने, अब ये निकाल लिया हमने पॉपुलेशन। अब सुन लो भाई ध्यान से क्या हुआ, सारे का सारा क्वेश्चन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार। शुरू में गांव की पॉपुलेशन थी 4000, ठीक है। दो सालों के बाद बताना क्या हुआ, पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ 6% कर दिया, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ गई भाई, ठीक है 6% निकालोगे तो बढ़ जाएगी पॉपुलेशन। लेकिन फिर क्या हुआ, एपिडेमिक्स आ गया जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए, जैसे कोरोना में हुआ था। तो उसके बाद फिर वापिस हो जाएगा भाई डाउन, क्या हो जाएगा 4028 पे, यानी कि दो सालों में टोटल फिर बंदे कितने बढ़े यहाँ पे, पहले 4000 था फिर कितना हुआ 4028, यानी कि 28 ही पीपल हैं जो विलेज में अंदर वो बड़े हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं करें हैं। तो यहां पर हमारे पास हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। फॉर्मूला मैं वापस बता रहा हूँ, याद कर लेना अच्छे से, बाकी मैं इसको कम्युनिटी में भी डाल दूंगा फॉर्मूलों को सारे को, जैसे मैं डालता रहता हूँ कम्युनिटी में, तो वहां से आप जितने फॉर्मूले होंगे इससे रिलेटेड सारे को ही कर दूंगा मैं एकदम पिन, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल ईजी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं भाई। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला आपको, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ना सेम टू सेम वही करना है इसके अंदर। देखो क्या बोला है, काउंट ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का काउंट हो रहा है भाई यहाँ पर 3 घंटों के अंदर, पहले आर्स में, सेकंड आर्स में, थर्ड आर में, ठीक है। तो पहले आर में देखो कितना था अभी अपने पास, बोला कि पहले आर में जो बैक्टीरिया है वो कितना इंक्रीज करेगी, 10% से इंक्रीज करेगी, दूसरे में डिक्रीज कर रही है वो भाई 8% से, और तीसरे में 12% से फिर वापस इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो आपने करना क्या है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर ये दिया भाई प्रिंसिपल, क्या दिया आपका प्रिंसिपल दिया, तो आपने बताना टोटल बैक्टीरिया कितनी होगी आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर बोला यानी कि आपको जो गिवन है ये
ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, और आपने अमाउंट निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे प्रीवियस का फॉर्मूला क्या था ना हमने यूज, वही करना है इसके अंदर। क्या कौन से वाला, देखो यहां पे बताता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में वन प्लस में आर वन बाय में 100, ठीक है, वन माइनस में आर टू बाय में 100, वन प्लस में आर थ्री बाय में 100। अब आपको पता ही चल गया होगा मैंने प्लस माइनस क्यों किया, क्योंकि प्लस इसलिए किया इंक्रीज हो रहा है। देखो यहां पर पहला 10% है वो फर्स्ट आर में जो कल्चर ऑफ 10 आ रहा है वो इंक्रीज होगा भाई यहां पर, ठीक है, डिक्रीज बाय 8% ड्यूरिंग सेकंड आर्स, और दूसरे आर में डिक्रीज हो रहा था इसलिए मैंने माइनस किया, एंड अगेन इंक्रीज होगा 12% ड्यूरिंग थर्ड आर, थर्ड आर में वापस इंक्रीज हो रहा इसलिए मैंने प्लस किया, ठीक है भाई। तो प्लस क्यों किया है, माइनस क्यों किया है, आई थिंक आपको आगे होगा समझ। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करके सोल्व करना आपने इजीली, ठीक है। तो देखिए हर एक वैल्यू पुट करेंगे अमाउंट निकालने के लिए, इसके अंदर अमाउंट आपका कितना भाई निकालना है, तो प्रिंसिपल पुट कर दीजिए कितना, 1315 13125, पीछे कितनी जीरो, थ्री जीरो है, वन प्लस में आर वन रेट कितना भाई शुरू में 10 है, कितना बेटा 10 है, 10 बाय में 100, वन माइनस में 8 बाय में 100, वन प्लस में 12 बाय में 100, ठीक है भाई। ये मैंने सारे के सारे जो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है वो सारे के सारे पुट करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अब सोल्व करते हैं इसको। देखिए भाई सबसे पहले जीरो से जीरो कट गया, तो 1315000 मल्टीप्लाई में देखो 10 और ऊपर एक है, 11 हो गया ना, तो 11 बटा में 10, मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिया, मैंने आपको पहले बताया कैसे लेते हैं एलसीएम, अगर शुरू में प्लस लिखो ना 1 तो ऊपर जो भी न्यूमरेटर है वो डायरेक्ट ऐड हो या सबट्रैक्ट हो जाता है, नीचे 10 ऊपर कितना 1, तो 10 प्लस 1 11 बाय 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर 4 2 8 और 4 से काटेंगे तो 25 आ गया नीचे। अब देखिए 25 और ऊपर माइनस का 2 है, 25 में से 2 गए तो कितने बचे भाई, 23 बाय में 25, ठीक है भाई, यही बचेगा ना। उसके बाद मल्टीप्लाई में नेक्स्ट वाला भी सोल्व कर लेते हैं, अब इसको भी 4 से काट दो, 4 3 12, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई 25, 25 प्लस में 3 तो कितना हो जाएगा 28 बाय में 25, ठीक है भाई। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो ऐसे। अब देखिए भाई यहाँ पर हम सोल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले तो एक जीरो से एक जीरो कट गई भाई, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर यूज करते हैं 5 के टेबल को, देखिए 5 5 25, 5 से काट दो भाई, 5 2 10 बच गए 3, 5 6 30 बच गया कितना भाई 1, 5 2 10 बच गए 2, 5 5 25, तो पीछे 2 जीरो बची भाई, ठीक है। अब इस 5 से वापस काट दो इसको, तो 5 से काटा भी हमने इसको कितना आ जाएगा 5 5 25, ठीक है, बच गया कितना भाई 1 बच जाएगा 12 हो गया, 5 2 10 2 बच गया 25, 5 5 25, पीछे 2 जीरो भाई, ठीक है। अब वापस काटते हैं इसको 25 के टेबल पर, अब मैं डायरेक्ट ही 25 का टेबल यूज कर लेता हूँ, 25 1 25 25 2 50, 50 में से 2 गए कितने बचे भाई 2 बच गए, 52 में से 50 करेंगे 25 25 25, पीछे बचा 2 जीरो भाई। तो आपके पास टोटल जो बचा हुआ है ना वो क्या क्या बचा वो ध्यान से देख लीजिए। अब अमाउंट इज इक्वल टू आपके पास 2100 बचा, ठीक है, इंटू में ऊपर कितना बचा वो लिख लो भाई, 11 बचा है, 23 बचा है और 28 बचा है भाई, ठीक है, ये आपके पास बचा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं 23 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ मैं 23 को 28 से, तो 3 8 24, 2 कैरी गया भाई, 3 2 6 2 8, उसके बाद 2 को करेंगे वापस इसके बाद भाई, 2 8 16, 1 कैरी गया भाई, 2 2 4 1 5, तो 4 8 6 14, 1 कैरी 6, तो 6 4 4 आया भाई, कितना आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 4 4 आया। अब मैं क्या करता हूँ 21 से भी कर लेता हूँ, किससे कर लेता हूँ इसको 21 से, एक तो करेंगे सेम टू सेम ही आएगा भाई, 2 से करोगे 2 4 2 4 2 6 12, तो कितना अभी अपने पास यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, ये सॉरी मैंने यहाँ पे लगा दिया क्रॉस का निशान, यहाँ पे लगेगा 8 यहाँ पे आ जाएगा एक और 2 1, ठीक है 4 आ जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे अपना 8 और 4 12, 1 कैरी गया, 8 और ये आ जाएगा 9 और 6 15, 1 कैरी गया, 2 और 1 3 और 1, कितना आ गया भाई 13524 आया, कितना है 13524, तो मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 13524000 इंटू में 11, ये बचा भाई। अब इसको करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, किससे करेंगे 11 से कर देते हैं इसको लास्ट अपना, 11 4 44, 4 आया भाई, 4 कैरी गया, 11 2 22 और 4 26, 2 कैरी गया भाई, 11 5 55 और 2 57, तो 5 कैरी गया भाई, 11 3 33 और 5 38, 3 कैरी गया, 11 1 11 और 3 14, तो कितना है भाई अपना 148764, कितना है भाई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अमाउंट कितना है अपना 148764, और पीछे ये 2 जीरो, ठीक है भाई,
तो बैक्टीरिया ये हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, 3 घंटे के बाद बैक्टीरिया हो जाएगी आपकी ये। तो हुआ क्या इसके अंदर, यहाँ पर बैक्टीरिया निकालने के लिए पहले अमाउंट हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज होने के बाद जो टोटल हमारे पास अमाउंट आया ना 3 घंटे के बाद, इतनी बैक्टीरिया हो जाएगी अपने पास। ठीक है, तो ऐसे करना था क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स वॉज 40,000 पर ईयर, 40,000 स्कूटर बनाए जाते हैं एक साल के अंदर, ठीक है, विच रोज टू 57,600 इन 2 ईयर। 2 सालों के अंदर उनको रोज करके 57,600 बना दिया गया भाई, यानी कि अब ज्यादा स्कूटर बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम, तो कितना रेट ऑफ ग्रोथ हो रहा है हर साल तो वो बताना हमें, यानी कि आर हमें नहीं पता है यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा अपना अमाउंट वाला, कौन सा भाई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम, ठीक है भाई। तो ये तो फॉर्मूला लगेगा ही अपना यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या वैल्यू नहीं है आपके पास, आर की वैल्यू नहीं है, वो निकालनी है, बाकी सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अमाउंट आपका कितना दिया, ये रहा भाई 57,600। एक और बात, अगर आपको ये ना पता चले ना अमाउंट कौन सा है या फिर प्रिंसिपल कौन सा है, तो सिंपल ट्रिक है, जो दोनों में बड़ा होगा, देखो 40,000 और 57,000 में दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 57 है, तो वो आपका अमाउंट होगा जो बड़ी होती है, ठीक है। प्रिंसिपल आपका कितना भाई, 40,000 है, 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम 2 साल है भाई, 40,000 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा भाई, 57,600 डिवाइड में 40,000, 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम, काट लीजिए भाई 2 जीरो से, 2 जीरो कट गई। ऊपर देखिए अब जो 57 है ना, 576, ये किसी का स्क्वायर है भाई, किसका स्क्वायर है, या तो आप ऐसे स्क्वायर निकाल लो या फिर इसको डिवाइड कर लो। देखो डिवाइड भी कर सकते हम, 4 से काट देंगे भाई, 4 1 जा 4, बचेगा कितना भाई ऊपर, ऊपर बच जाएगा अपना 1 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो 1 4 4 बाय में कितना आया भाई, 100 आया, कितना आया बेटा, 100 आ गया भाई, ठीक है। अब देख लीजिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, इज इक्वल टू अपने पास कितना, 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर 2, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं इसको काटना चाहूँ भाई 4 पे, किस पे, 4 पे काटना चाहूँ, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और बच गए 2, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 6 जा 12, 4 पे भी कट जाएगा, 4 पे काटना तो 4 पे भी काट सकते हो, 4 से काटोगे तो नीचे 25 आ जाएगा, ऊपर काटोगे तो 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36, काट के देख लो, 4 3 जा 12 बच गए तो 24 हो गया, 4 6 जा 24, 4 2 जा बट गए तो 4 5 जा 20, देखा, तो ये 36 बाय 25 आया भाई। और कौन बताएगा मुझे 36 बाय 25 एक स्क्वेयर होता है, क्या होता है, स्क्वेयर होता है, तो स्क्वेयर है तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर क्या 36 बाय में 25 इज इक्वल टू 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर 2, ठीक है भाई। ये अपने पास, अब देखिए 36 बाय 25, 36 होता 6 का स्क्वायर, 25 होता 5 का स्क्वायर, तो इसका पूरा स्क्वायर लिख दूंगा ऐसे में, और इज इक्वल टू हो जाएगा किसके भाई, 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर 2, कितना भाई पावर 2 हो जाएगी। अब देखिए जब आपको पता है जब इक्वालिटी में पावर इक्वल होती है तो उनका बेस हमारा इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, उनका बेस इक्वल हो जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनका बेस है जो इक्वल कर देंगे भाई, देखिए पावर से पावर हमारी कट जाती है, तो जो 6 बाय 5 है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 1 प्लस में आर बाय में 100 इज इक्वल टू 6 बाय 5 हो जाएगा, ठीक है, पावर खत्म। तो ये दोनों के दोनों बेस इक्वल हो गए, ये वाला इसके इक्वल हो गया भाई, ठीक है। अब ये 1 प्लस का उसे जाएगा तो माइनस हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, माइनस, तो जो आर बाय 100 है हमारा वो इक्वल आ जाएगा 6 बाय 5 माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पर आर बाय 100 एज इट इज रखिए, और दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम 5 ही आएगा, और 6 माइनस में 5 कितना बचा भाई, 6 माइनस 5 करोगे तो इक्वल बचेगा अपना 1 बाय 5 के। अब 100 डिवाइड में उसे जाके मल्टीप्लाई, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय 5 मल्टीप्लाई में 100, काट दो भाई 5 के टेबल से, तो 20 आ गया, कितना आ गया 20%। तो आपका जो रेट था ना, रेट निकालना था हमने, रेट निकालना था, वो आया आपका आंसर 20%, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है। देखो रेट निकल चुका अपना, जब कभी भी आपको ना कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला जाए या निकालने के लिए दिया जाए, तो आपने सिंपली क्या करना है, पावर को इक्वालिटी होल्ड करानी है, यानी कि पावर को इक्वल बनाना है। अगर पावर इक्वल हो जाएंगी तो फिर आप इजीली किसी भी क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया अभी हमने। 11th क्वेश्चन हमारा देखो क्या बोला है इसमें, अमित स्टार्टेड अ शॉप बाय इन्वेस्टिंग ₹5 लाख इन द फर्स्ट ईयर। अब अमित है, उसने अपनी शॉप के अंदर इन्वेस्ट किया अभी कितने रुपीज, ₹5 लाख इन्वेस्ट किए हैं। देखो भाई हर एक साल के अंदर क्या हो रहा है, पहले साल के अंदर उसको 5% का लॉस हो गया भाई, 5% का लॉस,
अगले साल उसको 10% का प्रॉफिट और उससे अगले साल 12% का प्रॉफिट। तो हमने क्या बताना है, कैलकुलेट करना है तीनों साल में कितना फायदा हुआ उसको, ठीक है। तो देखिए भाई, हमने बात की थी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में फायदा और नुकसान दोनों होते हैं, लॉस और गेन, तो हम उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में वन माइनस में, पहली बार लॉस हुआ ना, लॉस के लिए आप माइनस करोगे आर वन बाय में 100, फिर वन प्लस में, अगले में फायदा हुआ तो प्लस करोगे, अगर माइनस तब करना है जब लॉस हो और प्रॉफिट आए तो प्लस कर देना, ठीक है। और रेट तीन भी दिया हमें, रेट थ्री भी, तो आर थ्री बाय में 100, वो भी फायदे वाला है तो उसके लिए भी प्लस करेंगे, ठीक है भाई। अब वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, देखिए अमाउंट आपको निकालना है, प्रिंसिपल आपका कितना दिया भाई, 5 लाख दिया, कितना दिया 5 लाख इंटू में वन माइनस में रेट, कितना भी आपका पहले 5% है तो 5/100 कर दो भाई, फिर फायदा कितना हो भाई 10% का तो 10/100, फिर फायदा कितने का हो भाई 12 का तो 12/100, ठीक है, ऐसे कर दो लाइन वाइज। देखो भाई ये कर दिया हमने, उसके बाद देखो अब इसको काटते हैं, यहाँ पे जो जो कट रहा है, 5 से काटेंगे तो 20 आ गया, यहाँ पे 10 से काटेंगे तो 10 बचा नीचे, 4 3 12 25 नीचे आ गया भाई, ठीक है। जो जो चीज़ आ सकती थी कट के हमने वो लिख दिया यहाँ पे। अमाउंट देखो भाई अब क्या होगा, 5 लाख यहाँ पे हो गया। अब देखो 20 और माइनस में ऊपर 1 है भाई, तो कितना बचेगा, 20 में से 1 गया 19 बचेगा, तो 19/20 एलसीएम ले लेना बस आपने, 100 यहाँ 10 है, 10 में प्लस 1 करना है तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा आपका 11/10, ठीक है। और 25 प्लस में 3 करना तो कितना हो जाएगा भाई, 28/25, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया जब कभी भी आपके पास 1 प्लस में हो, यहाँ पर जैसे 1 है तो आप डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। देखो जैसे 20 ऊपर 1 बचा है, 20 में से 1 गया 19 बचा, 10 में ऊपर प्लस 1 करेंगे तो 11 बचेगा, 25 में प्लस 3 करेंगे तो 28 बचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बची अपने पास। देखिए भाई अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, 20 से ये 20 कट गई भाई, ठीक है, 25 से 25 2 50 ये बचा भाई, 2 से 2 भी कट गया, तो बचा क्या सिर्फ अपने पास, अब देखिए अमाउंट बचा है 00 तो ये बची है 100 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 28, तो ये चीजें आपके पास बची आपको सोल्व करने के लिए, बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी, सबसे पहले करते हैं 19 को और 28 को मल्टीप्लाई, साइड में कर देता हूं मैं यहां पे 19 और 28, 8 9 72 का 2 7 करेगा अभी यहां पे, ठीक है, 8 1 8 और 7 15, 2 को करेंगे 2 9 18 हो जाएगा यहाँ पे, 1 कैरी गया भाई, 2 1 2 और 1 3, 2 3 और 5 532 आ गया भाई, उसको फिर आपने 11 से भी करना है, ठीक है, 11 2 22 2 कैरी गया, 11 3 32 2 35, 3 कैरी गया भाई, 11 5 55 और 3 58, तो कितना है यहाँ पर, यह आ जाएगा भाई आपका अमाउंट 5852 माइनस में कितना बचा भाई, यहाँ पर 100 भी है साथ में, कितना है 100 भी लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि 20 लग गई, ठीक है। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आया है 5852 और पीछे ये 20, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 5,85,200 आपका ये अमाउंट आ गया। लेकिन हमें सिर्फ बताना क्या, हमने बताना कि प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट, तो स्टार्टिंग में कितने इन्वेस्ट किए थे 5 लाख, तो इसमें से क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 5,85,200 में से माइनस करना आपने 5 लाख को, तो कितना बचेगा भाई आपका 85,200 बच जाएगा, और ये होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 3 साल के अंदर टोटल उसको जो मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ है, वो 85,200 हुआ भाई, ठीक है। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है भाई, यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट करते हैं, देखिए 12 में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिकेट्स, सुनो भाई एक वर्ड यहां पे आया है डेप्रिकेट, इसका मतलब सुन लो क्या होता है, इसका मतलब होता है वैल्यू घट रही है किसी चीज की, तो जहां कहीं भी आप डेप्रिकेट्स दिखो ना वहां पर माइनस ही लेना होता है, ठीक है, ध्यान रखना माइनस लेंगे। 10% एनुअली प्रेजेंट वैल्यू 64,800, तो फाइंड आउट करना हमने 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल है 2 साल बाद देखिए वैल्यू क्या होगी। अब मैंने भी आपको बताया अमाउंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम। देखो ध्यान से यहां पर मैंने माइनस क्यों लिखा है, मैंने अभी भी बताया आपको, क्योंकि यहां पर डेप्रिकेट आया बेटा, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि वैल्यू घट रही है किसी चीज की, तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं भी अमाउंट निकालने के लिए। प्रिंसिपल आपको दिया है 64,800, 1 माइनस में रेट आपको 10% है, बाय में 100, टोटल टाइम आपको 2 साल दिया भाई, ठीक है, तो ये वैल्यू दिया आपको, पुट कर देंगे आप इसकी सॉल्यूशन के लिए, 0 से 0 कट गया। देखिए 64,800
और अंदर देखिए 10 माइनस में 1 कितना बचा भाई, 9 बाई 10 बचा ना, ऊपर पावर कितनी है 2 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई आपका यहां पर 64,800। दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई क्योंकि पावर 2 पर 9 बाई 10, 9 बाई 10 काट दो भाई, चलो इसको ठीक है। देखो काटेंगे कैसे, दो जीरो से ये 10 की, ये दो जीरो कट गई भाई, 9 9 जा कितना होता है 81 होता है, तो क्या करना आपने 648 को मल्टीप्लाई करना है 81 से, ठीक है भाई। यहीं साइड में कर लेता हूं मैं, यहीं कर लेता हूं, चलो 648 को मल्टीप्लाई करना आपने 81 से, पहले तो सेम टू सेम ही आ जाएगा, 88 जा 64, 6 कैरी गया अभी, 84 जा 32 और 638, 3 कैरी गया अभी, 86 जा 48 और 3, 48 और 3 होता है 51, ठीक है भाई। 8 8 8 14 और 1 कैरी गया अभी 2 और 5, कितना है आपका टोटल 52,488 आ गया, कितना आ गया अमाउंट आ जाएगा आपका यहाँ पर 52,488, ठीक है। यह आ जाएगा आपका वैल्यू किसके बाद, दो साल के बाद, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला है इट्स वैल्यू 2 ईयर्स अगो, यानी कि दो साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी। अब थोड़ा सोचो, अगर वैल्यू कम होती जा रही है तो दो साल पहले इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि अब दो साल बाद देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब तो ये था 64,800, दो साल बाद वैल्यू कितनी है इसकी 52,488, कम हो रही है ना, यानी कि दो साल पहले ज्यादा थी, और इसके भी दो साल पहले तो और भी ज्यादा होगी वैल्यू, तो निकालते हैं। देखिए जब हम एगो की बात करते हैं तो पहले भी आए हैं कई क्वेश्चन एगो वाले, आपको मैंने बताया भी है, एगो वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम इसको क्या मान लेते हैं भाई, अमाउंट मान लेते हैं, प्रिंसिपल हमें निकालना होता है, तो अब की बार फॉर्मूला तो वही लगेगा। ये सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट क्या हमने यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम, ठीक है भाई, यही किया था हमने, ठीक है। वैल्यू क्या होगी देखो यहाँ पे, अब यहां पर अमाउंट तो हमें पता है कितना है भाई, अब की बार 64,800 रख दो यहाँ पे, 64,800 प्रिंसिपल हमें निकालना है, यहाँ पे माइनस आएगा भाई, क्या आएगा यहाँ पे माइनस आता है, आपको पता है डेप्रिकेट लिखा ना, तो 1 माइनस में रेट कितना भाई 10 बाय में 100 की पावर टोटल कितनी होगी भाई, टाइम, टाइम कितना लिया हमने 2 साल, कितना लिया भाई 2, ठीक है, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए सिर्फ आपने सॉल्यूशन करना है जैसे इसको किया था, सेम टू सेम ही है सारे का सारा, देखिए जीरो से जीरो काट दो पहले, तो अब 64,800 एज इट इज, प्रिंसिपल भी एज इट इज, देखो 10 में से एक गया कितना बचा भाई 9 बाय 10 और ऊपर पावर कितनी है 2 है, तो 64,800 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में 81 बाय में 100, ठीक है, स्क्वायर कर दिया मैंने 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, अब ये साइड आगे घूम जाएगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई आपका 64,800 मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड में कितना भाई यहां पर 81 आ जाएगा, देखिए 100 इस साइड डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में, ऐसे किया मैंने कुछ ज्यादा वो नहीं किया, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए इसको काट देते हैं भाई यहाँ पर 9 के टेबल पे, 9 9 जा कितना होता है 81 और 9 7 जा कितना हो जाएगा 63 बच गया, 9 2 जा 18 फिर आ गया, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो पूरा कट के बचा कितना भाई आपके पास यहाँ पे पूरा, तो प्रिंसिपल बचेगा 8 तो ऊपर है, 2 और 2 4 जीरो लग जाएंगी, ये आ गया भाई आपका, ठीक है। टोटल जो प्रिंसिपल होगा, यानी कि दो साल पहले उस जो भी क्या चीज थी, मशीन थी ना, मशीन की जो टोटल वैल्यू थी ना वो कितनी थी भाई 80,000 थी, लेकिन उसके दो साल बाद डेप्रिकेट और यानी कि माइनस हो रही है, कम होती जा रही है, मशीन खराब हो रही है, तो दो साल बाद उसकी वैल्यू होगी 64,000, फिर उसके फिर दो साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी 52,488। ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं भाई, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में क्या दिया आपको, सेम टू सेम है जैसे प्रीवियस में, कि हमने एक रेफ्रिजरेटर है जिसको परचेज किया गया है 1 ईयर अगो, एक साल पहले, जिसकी वैल्यू थी 20,000, ठीक है भाई। इट्स वैल्यू डेप्रिकेट और ये एट द एंड ऑफ 15% पर एनम, फाइंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू, तो पहले तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है भाई, डेप्रिकेट हो रही है, ठीक है, यानी कि 15% से हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस लेंगे रेट को। देखिए अमाउंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, यहाँ पे होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 माइनस में रेट बाय में 100 और टाइम पर 1 साल ही है, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे क्या दिया माइनस, क्योंकि हमने क्योंकि डेप्रिकेट हो रही है भाई, क्या हो रही है देखो डेप्रिकेट लिखा तो डेप्रिकेट हो रही है, तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल लिख लीजिए कितना भाई 20,000 यहाँ पे 1 माइनस में रेट कितना भी आपका 15% है बटा में 100, ठीक है भाई। अब देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 20,000, 100 में से 15 गए भाई कितने बचेंगे यहाँ पे अपने पास, ये बच जाएंगे आपके 85 बाय में 100, ठीक है भाई। मैंने डायरेक्ट ही माइनस कर दिया 100 माइनस 15, आप कर लेना एलसीएम लेके तो हो जाएगा, ये यहाँ से कट गया भाई। अब अमाउंट कितना आ जाएगा भाई आपका, देखिए यहाँ पर 85 को 2 से करेंगे 170 होता है और पीछे 2 जीरो भाई, यानी 1 ईयर के बाद आपकी जो वैल्यू है डेप्रिकेट हो जाएगी 17,000, यानी कि 20,000 में से माइनस हो जाए कितना 17,000। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, तो इसका फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे, इसका ये सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं। अब
इट्स वैल्यू आफ्टर वन ईयर. अब वन ईयर के बाद वैल्यू बतानी है उसकी कितनी डेप्रिकेट होगी. वन ईयर के बाद कितनी हुई अभी यहाँ पे देखो. अब इसका यहाँ पर हम प्रिंसिपल लेंगे ना तो ये लेंगे 17,000. प्रिंसिपल क्या लेंगे 17,000 लेंगे क्योंकि डेप्रिकेट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू उसकी ये है. प्रेजेंट वैल्यू को ही हम क्या लेंगे भाई यहाँ पर प्रिंसिपल लेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट के लिए. तो सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मुला तो वही रहेगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 माइनस रेट बाय 100. तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो ये आया आपका. अब यही आपका प्रिंसिपल होगा. प्रिंसिपल क्या मान लेंगे अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में 17,000. 1 माइनस में रेट वही है 15% बाय 100. माइनस तो करना ही पड़ेगा आपको ठीक है क्योंकि डेप्रिकेट हो रही है. 17,000 मल्टीप्लाई में ऊपर कितना आ जाएगा भाई 85 बाय में 100 हो जाएगा ठीक है. वापस क्या करेंगे आप इसको काट लेंगे भाई ठीक है. डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका यहां पर अमाउंट इज इक्वल टू. तो देखिए भाई 20 से 20 कट गया भाई यहां पे ठीक है. अब आपने क्या करना है 170 को मल्टीप्लाई करना है भाई 85 से. किससे करना है 170 को मल्टीप्लाई करना है 85 से. तो यहां पे कर लेते हैं भाई देखिए 85 को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 17 को 85 से कर लो बाद में जीरो लगा देना भाई. 75 जा 35 3 कैरी गया भाई 78 जा कितना हो गया 56 और 3 59 1 से करोगे 35 ही आएगा. 5 9 और 5 14 1 कैरी गया भाई 8 और 1 9 और 5 14 तो कितना है भाई आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 17 बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई करके आएगा 14450. कितना आ गया भाई 14,450 आ जाएगा आपका सेकंड पार्ट का आंसर. कि एक साल के बाद आपकी जो वैल्यू होगी डेप्रिकेट वैल्यू तो वो और कम हो जाएगी. वो कम हो जाएगी 14,450 पे ठीक है. डेप्रिकेशन के अंदर क्या होता है हमेशा वैल्यू कम होती होती जाती है जितने सालों के लिए आप निकालते हो ठीक है. जैसे स्टार्टिंग में 20,000 थी तो डेप्रिकेट होगी 17,000 हुई 17,000 फिर उससे ज्यादा और डेप्रिकेट होगी 14,450 ठीक है. तो इस तरीके से वैल्यू डेप्रिकेट होती जाती है. नेक्स्ट देखिए 14th में क्या बोला है. अ मशीन डेप्रिकेट ईच ईयर एट 8% ऑफ इट्स वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इफ इट्स वैल्यू बी रुपीज 57,500 at the end of the year 2015. Find करना हमने यहाँ पे value. तो देखिए भाई कैसे करेंगे इसको. इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर कि 2015 में आपका time up की बार आपने खुद निकालना है जो ईयर होंगे ठीक है. आपकी वैल्यू कितनी थी 57,500 थी ठीक है. अब आपको निकालना किसके लिए एट द एंड ऑफ 2014. देखिए 2014 बोला है 15 में तो दी है 2014 की निकालनी हमने. तो यानी कि वन ईयर अगो जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं. अगो के लिए क्या होता था आपका 57,000 क्या हो जाएगा ये आपका अमाउंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा भाई ये अमाउंट हो जाएगा. आपको प्रिंसिपल निकालना है तो फॉर्मूला देख लीजिए. पहला पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे पहले अमाउंट आपका क्या भाई 57,500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको निकालना है 1. अब डेप्रिकेशन हो रहा है यहाँ पर भी देखो डेप्रिकेट्स हो रहा है तो जो वैल्यू होगी वो माइनस होगी रेट. इसका रेट कितना 8% तो माइनस में 8 बाय में 100. टाइम आपका 1 ही है तो देखिए भाई 57,500 इज इक्वल टू 100 में से 8 गए भाई कितने बचेंगे ऊपर 92 बचेंगे ना तो प्रिंसिपल आ जाएगा 92 बाय में 100. कितना आ जाएगा भाई 92 बाय 100. इस साइड घूम के आएगा तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 57,500 मल्टीप्लाई में 100 ऊपर और 92 नीचे आ जाएगा भाई आपका ठीक है. ये 92 नीचे आ गया. अब देखिए अब इसको करते हैं सोल्व. हम यहाँ पर 2 के टेबल पे काट लेते हैं. पहले 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 जाए 8 बच गया 1 26 जाए 12 46 आ गया भाई. ऊपर काट लो 2 से कितना आ जाएगा 2 जा 4 बच गया 1 28 जा 16 बच गया 1 27 जा 14 बच गया 1 25 जा 15 एक जीरो लगी पीछे और ये दो जीरो भी लगा दो भाई साथ में 100 तो है ही ऊपर या फिर नीचे रहने दो 100. अब यही काट रहे हैं ना. उसके बाद फिर काटते हैं इसको यहाँ पर किसके टेबल पे कट जाएगा अपना 2 पे काट दो वापस. नीचे बचेगा 23 2 जा 46 होता है ऊपर 2 पे काटो भाई 14 23 जा 6 हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका. फिर बच गया 1 27 जा 14 बच गया 1 भाई तो 25 जा 10 हो गया. कितना हो गया 25 जा 10. अब इतना आ गया भाई. अब इसको काट लेते हैं 23 के टेबल पर ठीक है. तो देखिए यहाँ पर 23 से अगर इसको आप काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ पर 625 और पीछे दो जीरो भाई. कितना आ जाएगा 625 और दो जीरो. कैसे काटेंगे इसको देख लो भाई यहाँ पर काट के दिखा देता हूँ मैं साइड में आपको. कितना अपने पास 14375 कितना भाई 14375 को आपने काटना है किससे यहाँ पर काटना मैं इसको 23 से ठीक है भाई. तो 23 6 देख लीजिए कितना हो जाएगा 6 3 18 1 कैरी गया भाई 6 2 12 और 1 13 ये आ गया भाई. कितना बच गया 5 बच गया 57. फिर उसके बाद 46 आ गया भाई बचे कितना यहाँ पर 1 1 फिर ऊपर से उतार लिया हमने 5 ठीक है भाई. और जब इसको 5 पे लेंगे तो 5 3 15 बच गया 1 5 2 10 और 1 11 देखा भाई पूरा पूरा कट रहा है देख लो चाहे आप. तो कितने पे कटा है 625 पे कटा है ना तो इसलिए मैंने यहाँ पे 625 लिया काट के पूरा और नीचे आ जाएगा 100. कितना आ जाएगा भाई पीछे 100 आ जाएगा आपका.
तो यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका भी कंप्लीट। क्या किया था हमने इसके अंदर, वैल्यू निकालनी थी 2014 के अंदर कितनी होगी, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी भी? अब पीछे जा रहे हैं तो बढ़ेगी, मैंने क्या बोला था डेप्रिसिएशन में क्या होता है जब हम पीछे जाते हैं ईयर्स में एग हो जाते हैं तो हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज होकर 62,500 होगी। अब कितनी है 57,500। अब हमें क्या निकालना है एट द एंड ऑफ 2016, देखिए 2015 दिया है 2016 में जाना है यानी कि एक साल आगे का निकालना है, तो इट मीन्स हमारा जो ये होगा ये आपका प्रिंसिपल होगा, अमाउंट नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट देखिए, मैं सेकंड पार्ट यहां पे कर रहा हूं। अब हमारा जो अमाउंट इज इक्वल टू होगा प्रिंसिपल कितना भाई 57,500 ही होगा और 1 माइनस में रेट कितना भाई 8/100 की पावर 1, ठीक है भाई। तो अमाउंट देखिए कितना होगा आपका 57,500 मल्टीप्लाई में सोल्व करोगे तो आपको पता ही है 92/100 आएगा, अभी किया था ठीक है, दो जीरो से भाई ये दो जीरो कट गई, तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 57,557 और 5 ये बचा भाई, दो जीरो से कट गई थी ठीक है, 575 बचा इंटू में 92 कर दो यहाँ पे आपका, ठीक है भाई। अब 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, देखो भाई 575 को आपने 92 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 5 10 वन कैरी गया, 2 7 14 115 वन कैरी गया, 2 5 10 और 1 11 9 से गलो 9 5 45 4 कैरी गया भाई, 9 7 63 और 4 67 हो जाएगा भाई, 6 कैरी गया, 9 5 45 और 6 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका 9 5 45 और 6 51, तो 0 10 1 कैरी गया भाई 7 2 9 2 5, तो कितना हो जाएगा भाई ये 52,900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका जो अमाउंट होगा वो भाई 52,900 होगा। ये क्या हुआ है, अब अगले वाले साल में फिर कम हो जाएगा, 57 से कितना आ गया 52 पे आ गया भाई, ये देख लो ठीक है, तो कम होता जाता है। अगर अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए निकालोगे 2017 18 19 20 तो बिल्कुल कम होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना आपने भाई क्वेश्चन नंबर 14, जो भी डेप्रिकेशन के क्वेश्चन है सारे ऐसे ही आएंगे, ठीक है, सेम टू सेम। नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15, देखिए भी लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी सेम टू सेम ही है भाई, डेप्रिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो देखिए द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिकेट एट द रेट ऑफ 16 2/3% ऑफ इट्स पर एनम, इट वाज परचेज 3 इयर्स अगो, अगो आ गया भाई, देख लो यहाँ पे जब भी अगो आता है तो हमारा जो भी गिवन वैल्यू होती है ये क्या बन जाता है भाई, हमारा ये अमाउंट बन जाता है, क्या बन जाता है अमाउंट। तो अब आपको वैल्यू पुट करनी है बस क्वेश्चन के अंदर, देखिए भी स्टार्ट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 माइनस में रेट बाय 100 की पावर 10। तो अमाउंट आपका कितना दिया भाई 62,500 दिया है, प्रिंसिपल आपको निकालना है 1 माइनस में रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो सोल्व कर लो इसको भाई, मिक्स फ्रैक्शन को कंप्लीट करोगे तो 16 3 48 और 250/3 कितना हो जाएगा 50/3% हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे पुट करोगे आप तो 50/3 इंटू में 100 और ऊपर टाइम कितना भाई, टाइम दिया आपको 3 साल पहले, तो 3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है। तो 62,500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, देखो 50 से काट दो भी 52 जा 100, 3 2 जा 6, तो कितना बचा 1 माइनस 1/6 की पावर 3। अब देखो 62,500 है इज इक्वल टू प्रिंसिपल एज इट इज आ जाएगा भाई। अब देखिए 6 माइनस में 1 करेंगे तो कितना बचेगा 5/3 बचेगा ना, सॉरी 5/6 बचेगा, 3 तो नहीं है 6 है नीचे, तो ऊपर टाइम कितना भी 3 साल है ठीक है। बाकी मैं साइड कर रहा हूं, देखो 5 का क्यूब करोगे 6 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 62,500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल एज इट इज, ऊपर था भी आपके पास क्या 5 का क्यूब होता ऊपर 125 और नीचे 6 का क्यूब होता भाई 216 ठीक है, मैंने ये कर दिया। देखो 5 का क्यूब करोगे 5 का क्यूब करोगे 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो 5 5 25 25 5 125 ठीक है भाई, 6 का क्यूब 6 6 36 36 6 आता है 216 ठीक है भाई। अब ये 216 डिवाइड में से आके मल्टीप्लाई तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई आपका 62,500 मल्टीप्लाई में 216 डिवाइड में कितना आ गया भाई घूम के ये 125 आ जाएगा ठीक है भाई, तो हो जाएगा। अब इसको काटेंगे इससे 125 5 होता है 625, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई 500 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 216 से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई भाई 5 6 30 की 0 3 कैरी गया भाई 5 1 5 और 3 8 हो गया 5 2 10 और पीछे ये दो जीरो लगेंगे भाई, तो कितना हो गया आपका ये हो जाएगा यहाँ पर 1,08,000 कितना भाई 1,08,000। लेकिन स्टार्टिंग में कितनी थी आपकी वैल्यू, देखो यहाँ पर 62,500 थी, बड़ी है वैल्यू क्योंकि यहाँ पे डेप्रिकेशन हुआ 3 साल पहले, कितनी वैल्यू थी कम होते होते इतनी आई है ना 3 साल बाद ये, तो स्टार्टिंग में वैल्यू 3 साल पहले इतनी वैल्यू थी भाई आपकी ठीक है 1,08,000 ठीक है भाई। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है कंप्लीट हो चुका भाई ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी के जो
चैप्टर होगा नेक्स्ट हमारा, वो स्टार्ट करेंगे इसके बाद, अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी जो हमारी इससे रिलेटेड, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।